हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ब्लिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सखी भाव संतन अनुगत हुए, गाँव नाम गुण रहु वृंदावन, श्यामा श्याम शरण गहुर मन। ये जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज जी के द्वारा रचित प्रेम रस मदिरा का एक सुंदर पद है। अक्सर हम वृंदावन में स्त्रियों की तरह 16 श्रृंगार किए हुए पुरुषों को देखते हैं, जो कि बहुत मस्त भाव से श्री कृष्ण को रिझाते हुए उनके आगे नृत्य करते हैं। जो लोग उनके इस भाव को नहीं जानते हैं, उनके मन में उन्हें देखकर कई तरह के विचार आते हैं। ये कौन है, क्या रूप बना रखा है, त्रिवेश में क्यों घूमते हैं इत्यादि। ये लोग सखी संप्रदाय के होते हैं, जिसे सखी भाव संप्रदाय भी कहा जाता है। सखी संप्रदाय निम्बार्क मत के एक शाखा है, जिसकी स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसमें भक्त अपने आप को श्री कृष्ण की सखी मानकर उसकी उपासना तथा सेवा करते हैं और प्रायः स्त्रियों के भेष में रहकर उन्हीं के आचारों व्यवहारों आदि का पालन करते हैं। सखी संप्रदाय के साधु अधिकतर ब्रजभूमि में ही निवास करते हैं। स्वामी हरिदास जी के द्वारा निकुंज उपासना के रूप में श्यामा कुंज बिहारी की उपासना सेवा की पद्धति विकसित हुई। ये बड़ी विलक्षण है। निकुंज उपासना में जो सखी भाव है वो गोपी भाव नहीं है। निकुंज उपासक प्रभु से अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता, बल्कि उसके समस्त कार्य अपने आराध्य को सुख प्रदान करने हेतु होते हैं। श्री निकुंज बिहारी की प्रसन्नता और संतुष्टि उसके लिए सर्वोपरि होती है। यह संप्रदाय जिन भेषा मेरा ठाकुर रिझो सो ही भेष धरूंगी के आधार पर अपना समस्त जीवन राधा कृष्ण सरकार को न्योछावर कर देती है। सखी संप्रदाय के साधु अपने को 16 श्रृंगार नख से लेकर चोटी तक अलंकृत करते हैं। सखी संप्रदाय के साधु अपने को सखी के रूप में मानते हैं। यहाँ तक कि रजस्वला के प्रतीक के रूप में स्वयं को 3 दिवस तक अशुद्ध मानते हैं। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति सखी नहीं बन जाता। इसके लिए भी एक विशेष प्रक्रिया है, जो कि आसान नहीं है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति पहले साधु ही बनता है और साधु बनने के लिए गुरु ही माला झोली देकर तथा तिलक लगाकर मंत्र देते हैं, तथा इस साधु जीवन में जिसके भी मन में सखी भाव उपजा उसे ही गुरु साड़ी और श्रृंगार देकर सखी की दीक्षा देते हैं। निर्मोही अखाड़े से जुड़े सखी संप्रदाय के साधु अथवा सखियां कान्हा जी के सामने नाचकर तथा गाकर मोहिनी सूरत बनाकर उन्हें रिझाते हैं। सामान्यतया सभी संप्रदाय की पहचान पहले उनके तिलक से होती है, इसके बाद उनके वस्त्रों से। गुरु रामानंदी संप्रदाय के साधु अपने माथे पर लाल तिलक लगाते हैं और कृष्णानंदी संप्रदाय के साधु सफेद तिलक लगाते हैं, जिसमें की राधा नाम की बिंदियां होती है और साथ ही तुलसी माला भी धारण करते हैं। सखी संप्रदाय से जुड़े एक और दिलचस्प बात यह है कि इस संप्रदाय में कोई स्त्री नहीं, केवल पुरुष साधु ही स्त्री का रूप धारण करके कान्हा को रिझाती हैं। सखी संप्रदाय की भक्ति कोई मनोरंजन नहीं, बल्कि इसमें प्रेम की गंभीरता झलकती है और पुरुषों का यह निर्मल प्रेम इस संप्रदाय को दर्शनीय बनाती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी रोचक और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।